नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हैं आप लोग, आदाब। ये मेरी वीडियो ट्रैवल वीडियोस की पहली शुरुआत है। मैं अब शुरू कर रहा हूँ। कुछ वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं। क्यों पड़ी हैं? क्योंकि मैं कई जगह गया था घूमने के लिए, आसपास की जगह चाहता हूँ मैं आपसे शेयर करूँ। जापान के आसपास की जगह हैं, जापान के बारे में बताने के लिए मैंने आपको ये चैनल बनाया था। शुरू करते हैं उसको। आप देखिए, अब जैसा आपको टाइटल समझ में आ गया होगा, जब पहली वीडियो में आपके साथ कांड हो जाए, मेरे साथ भी एक छोटा सा कांड हुआ। वो छोटा तो नहीं था, हैवी था, मेरे पे बहुत जोर के लगा वो, लेकिन कांड तो कांड होता है, उसी तो मज़े है। तो वो कांड क्या हुआ आपको कहीं ब्लॉग में नहीं दिखेगा, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक हो गया, ठीक है, जैसा भी हो गया अच्छा हो गया। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, फिलहाल मैं बताता हूँ मैं क्या हुआ, तब तक के लिए। फाइनली घर से निकल चुके हैं, चलते हैं रेलवे स्टेशन, मतलब वहाँ से ट्रेन पकड़नी है। ट्रेन पकड़े कहाँ जाना है? एयरपोर्ट जाना है। लेट्स गो। इतनी बरसात हो रही है, थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है। मैंने कहा है भाई, जापान की बरसात जो है ना बिना बताए होती है, हमेशा हमेशा, और कभी ढंग से नहीं होगी। दो तीन मिनट चलेगी, चुटपुट 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 चुटपुट, कई मतलब है। सर, स्टेशन पे मिलते हैं, एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। 12:22 की ट्रेन है, 12:12 करीब हो रहे हैं। नहीं दिखेगा भाई, 10 मिनट वेट करते हैं, फिर चलते हैं भाई। एक दूसरे स्टेशन पे उतरेंगे, वहाँ से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के फिर जाएंगे एयरपोर्ट। भाई साहब, लंबी दूरी है जहाँ लगे। चलो, कुछ शॉट्स होंगे अच्छे से दिखाएंगे रास्ते में, नहीं तो यार नींद ढंग से पूरी नहीं हुई है रात में। ओके, मिलते हैं जल्दी वापस। वहाँ पे नागोया में, नागोया जा रहा हूँ मैं, नागोया एयरपोर्ट। वहाँ से फ्लाइट है, वहाँ से फ्लाइट कहाँ जा रही है बताते हैं। वेट, बाय। बरसात होना शुरू हो चुकी है, देख रहे हो कितना सुंदर बनाया हुआ है वो पूरा इलाका। ये बस स्टेशन, मेरा बस, ये देखो ये हमारी बस है, बढ़िया। ये सामान वो, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये सामान लेंगे भी, रखेंगे भी, टिकट भी देखेंगे, सब कुछ सामान करेंगे। टेका नहीं हुआ, देखो सभी के सर पड़ा रहा है, वो जब भाव हो गया भाई। ये जो भी काम करते हैं ना, पूरी लगन से करते हैं, कोई काम करेंगे तो साफ कुछ सही से रखने का। वैसे ही बस में अलग कंपार्टमेंट्स बने हैं, ध्यान रहोगे ये अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग कंपार्टमेंट, जगह जगह जहाँ जहाँ से लोग चढ़ेंगे वहाँ अगर अलग कंपार्टमेंट बनाने हमारे। चलते हैं बस के अंदर, भाई फ्री वाईफाई भी है, ये यूट्यूब देखेंगे। ये टिकट के लिए, इसमें आपको टिकट के लिए सिक्के डालने हैं, जो आप जो आपके राइड होगी सिक्के डालने हैं, पेमेंट करना है और छुट्टी बांटना है। कोई बस टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं है, ऐसे हो गया। क्या मस्त डैशबोर्ड है, लगते ही बस ही बस, कैमरा भी है पीछे, कौन खड़ा है कैमरा, कुछ खड़े जाए तो जैसे हम चढ़ते हैं गन्ना
हाँ तो दोस्तों आपको मालूम चल चुका होगा मैं कहाँ पहुँचा हूँ। उस छोटी सी पिक्चर में आपको दिख गया होगा मैं गुआम पहुँचा। गुआम कहाँ है? गुआम आप अगर देखोगे मैप में लोकेशन में तो फिलीपींस की लोकेशन, जापान की लोकेशन, जापान अगर इधर है, फिलीपींस इधर है, तो समवेयर हियर इन द मिडल देयर आर सम आइलैंड टेरिटरीज ऑफ US। दो मेनली दो टेरिटरी हैं पैसिफिक ओशन में इस तरफ, एक है गुआम दूसरी है साइपान। गुआम जो है वो कंप्लीट टेरिटरी है US की, लेकिन साइपान जो है वो एज अ कंप्लीट टेरिटरी नहीं है, वो खुद की टेरिटरी है, खुद में काम करती है, लेकिन वो US का पार्ट है। जस्ट लाइक यू कैन से तिब्बत है, तिब्बत एज इन है तो कंट्री, लेकिन वो चाइना के थ्रू एक्वायर है, चाइना उस पर रूल करता है, उस तरह समझो साइपान की उसी तरह का। एग्जैक्टली मुझे सिचुएशन नहीं पता है, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। गुआम के बारे में पता है वो बताऊँगा मैं आपको। तो हम लोग गुआम पहुँचे हैं, सबसे पहला कांड जैसा मैंने बताया कि जब पहली वीडियो में आपके साथ कांड हो जाए, तो जो पहला कांड मेरे साथ क्या हुआ, पहला कांड जो हुआ हमारी यूनाइटेड एयरलाइंस जो अमेरिकन एयरलाइंस है उसकी फ्लाइट 8 घंटे डिले हो गई। 8 घंटे डिले क्यों हुई? उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से फ्लाइट गुआम से ही नहीं उड़ी। जो हमें लेने वाली थी नागोया में वो गुआम से ही नहीं उड़ी। जब वो वहाँ से उड़ी तो हमें लेगी कहाँ से? तो इसलिए यूनाइटेड ने फिर हमें दूसरी फ्लाइट एक अरेंज कराई जो कि मनीला फिलीपींस से पहले आई जापान, फिर हमें उसने लिया और फिर हमें वो गुआम लेके गई। ये था तो हमने 8 घंटे जो कि रात में 2 बजे हमें गुआम पहुंचना था, 2:30 बजे करीब गुआम पहुंचना था, हमने 2:30 बजे तो फ्लाइट पकड़ी नागोया से, नागोया से गुआम शायद 4 या 5 घंटे की फ्लाइट है, 4 या 5 घंटे की फ्लाइट है, तो अच्छी खासा डिले हो गया। जो हमें सुबह सुबह उधर आधी रात में 2-3 बजे करीब पहुँचना था गुआम, हम लोग सुबह 8 बजे करीब पहुँचे। तो पहला कांड तो मेरे साथ भाई ये हुआ, सीरीज है, आगे चलो आगे मालूम चलेगा। मैं फिर अच्छी अच्छी सीनरीज में बस से गया था, तो बस से जब जाते हैं तो रास्ते में सीनरीज यार बरसात बरसात हो रही थी, थोड़े बादल थे, तो अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने खूब शूट किया सारा। गोप्रो भी था मेरे पास, मैं गोप्रो से शूट कर रहा था, सब कुछ अच्छे से शूट कर रहा था। शूट करके नागोया पहुंचा, नागोया में फिर हमने खाना पीना खाया, नागोया एयरपोर्ट मैंने पूरा शूट किया, सब कुछ शूट किया मैंने। उसके बाद फिर अपन बैठे फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट का थोड़ा फ्लाइट के बारे में शूट किया, और उसके बाद जैसे ही मैं गुआम उतरा मैंने चेक किया डेटा अपना जो मेरा कार्ड में सेव हुआ है, जो मैंने वीडियो शूट किया। जैसे ही मैंने उसमें कार्ड निकाला और लैपटॉप में डाला मैंने, वो रीड नहीं किया पहली बार में। फिर मैंने उसे कैमरे में डाला, कैमरे में टेस्ट करने के लिए, कैमरे में रीड करा क्या कुछ एरर आया, और सब साफ। सारा डेटा जितना भी डेटा था, जितना मेरे करीब करीब 14-15 GB डेटा था मेरे पास, सारा साफ। जो मुझे लगता है शायद कुछ जो दिक्कत हुई वो मेरी वीडियो शूट करने में दिक्कत हुई होगी, मैंने कोई गलत मोड सेलेक्ट कर दिया होगा और वो मोड बहुत हैवी हो गया, कुछ हुआ हो मुझे, आई डोंट नो द टेक्निकल ग्लिचेस बिहाइंड दैट, बट स्टिल देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल ग्लिच विथ माय मेमोरी कार्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल ऑफ माय डेटा फ्रॉम द मेमोरी कार्ड वाज डिलीटेड। सो लास्ट के जो पार्ट आपने देखे हैं, थोड़े बहुत जो मैंने पिक्चर्स डाले हैं वो मैंने फ़ोन से कहीं कहीं खींचे थे, तो मैंने डाल दिया भाई वीडियो बना दी जाए, क्योंकि अभी वीडियो बन गई है। अभी आगे से जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो कंप्लीट वीडियो है, उसमें कोई भी कहीं भी ग्लिच नहीं है कहीं, क्योंकि उसके बाद मैं चौकन्ना हो गया। गुआम उतरते सबसे पहले मैं शॉपिंग मॉल गया, वहाँ माइक्रोनेशिया शॉपिंग मॉल है, बड़ा मॉल है, वहाँ सीधे गया। पहले वहाँ से मेमोरी कार्ड मैंने दूसरे खरीदे, नए खरीदे, फिर उसके बाद मैंने शूटिंग किया, वो अभी भी वही मेमोरी कार्ड चल रहे हैं मेरे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना जरूर प्लीज़ कमेंट में, इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी नई नई वीडियोज़ और आएंगी, जो जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा जानकारियाँ आपको मिलेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं खाली ट्रैवल वीडियोज़ बनाऊंगा, नहीं, मेरे पास कार्स के बारे में वीडियो है, मेरे पास जापानीज लैंग्वेज के बारे में, जापान कैसे हैं, स्टडीज़ के बारे में, जॉब के बारे में, हर चीज़ के बारे में वीडियोज़ हैं। अगर वो सब जानना है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं खुद एक यहाँ प्रोफेशनल हूँ, यहाँ काम करता हूँ, इंजीनियर हूँ, तो कुछ आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, वो गाइडेंस अगर आपको चाहिए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, घर में बताइए, पापा को बताइए, मम्मी को बताइए, भाई बहन, आप जितने लोग मिले सबको बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।